हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा बहुत ही आसान डिजाइन डोरमेट का बनाना बताऊंगी, पायदान का। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर 10 फंदे डाल रखे हैं और आपको 10 की जगह 50 फंदे डालने होंगे, 50 फंदे यहाँ पे डालने होंगे। तो समझ लीजिए 50 फंदे हैं समझ लीजिए, क्योंकि डिजाइन सेम ऐसे ही रहेगा, बस फंदों का मतलब मैं छोटा सा बना के दिखाऊंगी, यही आपको बड़ा बनाना है 50 फंदों में। और देखिए, मैं यहाँ पर 7 नंबर की सिलाई ली हूँ। आप 7 नंबर की सिलाई ले लीजिए और इसको आप चाहे तो पुरानी साड़ी और दुपट्टे से भी बना सकती हैं, पतले पतले मतलब उसको करके। तो देखिए, फंदे डालने के बाद डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही पूरी रो, जैसे बॉर्डर बुना जाता है एक सीधा एक उल्टा का, वैसे ही बना लेना है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा दिख रहा है उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा दिख रहा है सीधा बुनेंगे, क्योंकि इस साइड से राइट साइड से हम इसको उल्टा बनाए थे, तो रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे। तो जैसे बॉर्डर बुनते हैं एक सीधा एक उल्टा, तो ऐसे ही बनाना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको ऐसे ही बना लेना है। आपको अगर मतलब 50 की जगह चाहे 40 फंदे ही डालिए, और चाहे तो उससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं, क्योंकि 40 फंदों में थोड़ा सा बड़ा ये डोरमेट बनेगा। तो आपको अगर उससे छोटा बनाना है तो 40 फंदे ही डालेंगे। तो देखिए ऐसे ही, फिर आ जाइए राइट साइड। तो देखिए, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको ऐसे ही बनाते जाना है, सीधे पर सीधा बुनेंगे और उल्टे पर उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही आपको 10 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है, 5 सिलाई इस साइड से, 5 सिलाई उस साइड से। तो 10 सिलाई अभी ये तीसरी रो है, तो ऐसे 10 सिलाई बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, 10 सिलाई बनाने के बाद क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को आगे करेंगे, उल्टा फंदा दिख रहा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, ऊन को पीछे करेंगे। अब देखिए, एकदम नीचे यहाँ पे ऐसे सिलाई डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 10 ऐसे नीचे सिलाई डालेंगे, सिलाई नहीं डालना, नीचे वाला जो फंदा है ऐसे, इन जो नीचे दिख रहे हैं वो फंदा है, उसको ऐसे उठा लेंगे, ये जो सबसे पहली रो का फंदा है उस फंदे को ऐसे उठाएंगे, और इसको देखिए इस तरह से ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, और बैक साइड से दोनों को इकट्ठा बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर ऊन आगे करेंगे, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे। अब सबसे नीचे वाला जो फंदा दिख रहा है यहाँ पे, सबसे ये ध्यान रखना है आपको, सबसे नीचे वाला जो ये फंदा है दिख रहा है कि नहीं, देखिए नीचे दिख रहा है ना, नीचे वाला जो जो फंदा है इसको ऐसे उठा लेंगे इस सिलाई पे, और बैक साइड से इन दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे। फिर उनको आगे करेंगे, जो उल्टा फंदा दिख रहा है उल्टा बुनेंगे, उनको पीछे करेंगे। अब देखिए, यहाँ नीचे वाला जो फंदा दिख रहा है इसको ऐसे इस फंदे को उठाएंगे और ऐसे पीछे की साइड से दो का एक करेंगे। फिर उन आगे एक उल्टा फंदा है तो उल्टा बुनेंगे, उन पीछे करेंगे। फिर देखिए, नीचे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और दो फंदों को दोनों को ऐसे फिर सीधा बुन लेंगे। फिर लास्ट का एक फंदा उल्टा है तो उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये गुद्देदार डिजाइन बनता है, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। अब देखिए, फिर इसको क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ऐसे बना है, तो इसी तरह से आपको जितने कलर लगाना है तो इसी तरह से बनेगा। तो देखिए, कलर को चेंज करेंगे यहीं से, और कलर को चेंज करेंगे, जो सीधा फंदा है सीधा बुनेंगे,
ऊन को आगे करेंगे और देखिए ये जो उल्टा फंदा है उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे जो सीधा सीधा, ऊन आगे जो उल्टा उल्टा, ऐसे ही पूरी रो बुनकर कंप्लीट करना है। और फिर ऐसे 10 सिलाई बनानी है, 10 सिलाई ऐसे बनाते जाएंगे और इसको इस तरह से डिजाइन बनाते जाना है। जैसे यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना है ऐसे ऊपर भी 10 सिलाई बना के फिर इसको बनाना है इस तरह से। फिर देखिए जो सीधा फंदा है सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है उल्टा बुनेंगे ऐसे, फिर सीधा फंदा है सीधा बुनेंगे। तो अभी मैं ऊपर बना के फिर आपको दिखाती हूँ ये डिजाइन कैसा लगता है। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इधर से ही फंदे उठाएंगे, रॉन्ग साइड से ही इस फंदे को उठाकर फिर इस तरह से बनाएंगे। हर बार एक ही तरफ से फंदे उठाना है और इसको राइट साइड रखेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड इसी को रखेंगे जिधर से हम धागा फिर स्टार्ट कर रहे हैं, और जिधर ऐसे मतलब धागे को इस तरह से ऐसे उठाकर फंदों को मतलब एक साथ ऐसे डबल कर रहे हैं उसी को उल्टा साइड रखना है। हर बार ऐसे ही बनानी है, ये नहीं कि एक बार इधर से बनाए एक बार इधर से, एक ही तरफ से उल्टा इसको करके रखेंगे। तो अभी ऊपर बना के मैं दिखाती हूँ। यही राइट साइड रहेगा इधर का, ये वाला देखिए। तो देखिए फ्रेंड डोरमेट इस तरह से बनके तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।